फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस यानी फ्लैट वर्म्स के का फाइलम। इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड होती है और इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं कॉमनली। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं ज़्यादातर अधिकतर, यानी कि ये बॉडी के अंदर, जानवरों की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, पैरासाइट बन जाते हैं, वो उनका होस्ट कहलाता है और ये उससे खाना, रेडीमेड फूड और शेल्टर भी प्राप्त करते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें, यानी कि द बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली इन वन प्लेन। यस, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री, जैसे मनुष्य में भी मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये पहले, दुनिया के पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर पैदा हो गए हैं। भाई जटिलता बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी बात है, विकास हो रहा है, एवोल्यूशन। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये, यानी कि इनमें थ्री बॉडी लेयर्स मिलेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म भी आ जाएगी बीच में और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, थ्री लेयर्स बॉडी लेयर्स आर फाउंड। ए सीलोमेट्स हैं ये, यानी कि जैसा नाम बता रहा है ए आ गया, इनमें कोई बॉडी कैविटी यानी सिलोम नहीं होती। प्लेटीहेलमिंथिस आर हर्मेफ्रोडाइट्स, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स फाउंड इन वन एनिमल ओनली, दैट इज स्पर्म्स एंड एग्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय वन एनिमल ओनली, हर्मेफ्रोडाइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड हेयर, that means the sperm will enter into the body of the platyhelminthes, another platyhelminthes, for fertilization. 13th point, indirect development hoti hai, yani larva milenge, larval forms adult banne se pehle. Regeneration ki capacity hai kuch janwaron mein, jaise planaria ek representative hai flatworms ka, ये इसकी शक्ल है, ये देख रहे हैं रूडिमेंट्री आईज। और ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि इसको, 9th में भी पढ़ा हुआ है कि इसको कहीं से भी कट कर लो या ये गलती से कट हो जाए तो ये भी पूरा जानवर बना देगा, ये वाला हिस्सा, ये जो सेंटर वाला हिस्सा टूटा है ये भी पीस नया जानवर बना देगा, ये भी नया जीव बना देगा, जितने टुकड़े उतने नए जीव, प्लेनेरिया, रीजनरेशन। नाउ सम एग्जाम्पल्स of the flatworms, platyhelminthes. Famous one is tinea, tinea solium, यानी कि tapeworm जिसको बोलते हैं, ये मनुष्यों के अंदर घुस जाता है, उसको होस्ट बना मानता है और इसी तरह से पिग में भी मिलता है, कई जीवों में मिलता है, जानवरों में। और ये शक्ल है इसकी, इसमें segments देख रहे हैं आप, segmented होता है, बहुत ही लंबा जानवर आपकी बॉडी में, ठीक है भाई, अटैच कर रहा है हुक्स और सकस के द्वारा। तो ये है टेपवॉर्म की शक्ल विद सेगमेंट्स। फेसियोला हेपेटिका जैसे बोलते हैं, ये है लिवर फ्लूक कॉमन नेम, इसकी शक्ल भी देख लेते हैं, ये है इसकी शक्ल लिवर फ्लूक की, ये भी जैसा कि नाम दिख रहा है लिवर फ्लूक, तो ये एक पैरासाइट है बॉडी का,